Hi SPS lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Films on YouTube channel. So guys, आज हम बात करेंगे सेजी राशि और सेजी एसेंडेंट के बारे में कि सेजी राशि और सेजी एसेंडेंट वालों के लिए 2018 पूरा होल ईयर कैसे जाने वाला है। और बात को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के इतने मैसेज आते हैं मेरे पास, इतनी रिक्वेस्ट आती है और जो वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है वो सारी चीज़ें आपको पता होती है कि कौन सी वीडियो अपलोड हो चुकी है, कौन सी वीडियो नहीं आई है, कौन सी वीडियो आनी है, तो आप लोग इतने ज़्यादा क्यूरियस इन चीज़ों के बारे में। लेकिन मैं बिल्कुल भी ड्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं एक्चुअली चीज़ों को अपने पैशन के तौर पर करता हूँ। मैं ये नहीं समझता कि मेरी कोई ड्यूटी है तो मुझे रेगुलर ये करना है, बट मैं जब आप लोगों का इंटरेस्ट देखता हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं कुछ करने पर मजबूर हो जाता हूँ एक्चुअली। बट अगर वैसे देखा जाए तो मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ चीज़ों में कि मुझे रेगुलर वो सारी चीज़ें डालनी है या कुछ ऐसा करना है। मैं जब भी मुझे लगता है कि मैं फ्री हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं कुछ करता हूँ, फिर डाल देता हूँ। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि आप लोग इतने ज़्यादा सीरियस हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, चीज़ों को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और एक एक डिटेल के बारे में आप मुझे बताते हैं, कोई भी अगर गलती होती है उसके बारे में बताते हैं, कुछ भी अच्छा है तो उसके बारे में बताते हैं, तो इन सब चीज़ों को देख के जान के बड़ा अजीब टाइप का फील होता है। मतलब ये फील होता है कि समाज को, दुनिया को इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत है। शायद ये चीज़ मेरे पास है तो मुझे इसकी वैल्यू का नहीं पता, लेकिन आप लोग जब देखते हो और आप लोगों की लाइफ में वो चीज़ें हो रही हैं तो आप लोगों को इनकी वैल्यू का भी पता है। तो गाइस, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए कुछ करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बताऊँ ताकि आप लोग और सारी चीज़ों को देख पाएँ, जान पाएँ। सो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज मतलब, सीरीज क्या मतलब, जो राशि के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो सेजी राशि वालों के लिए पूरा 2018 यानी और सेजी एसेंडेंट वालों के लिए 2018 पूरा कैसे जाने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेजी जो राशि है और सेजी जो एसेंडेंट है वो एक्चुअल में है क्या। सेजी राशि वाले लोग जो होते हैं ना, सेजी राशि जो है उसका संबंध है धर्म से, धर्म हो गया, बिलीफ हो गया, गॉड हो गया, गॉडेस हो गई, हायर बिलीफ हो गया, हायर एजुकेशन हो गई, हायर लर्निंग हो गई, फॉरेन सेटलमेंट हो गया, फॉरेन ट्रैवल हो गया, और जितना भी हम बिलीव करते हैं अपने रिचुअल्स के ऊपर, जितना हम बिलीव करते हैं अपने धर्म के ऊपर, जितना हम बिलीव करते हैं अपने गॉड एंड गॉडेस के ऊपर, उन सब चीज़ों का संबंध सेजी से है। सेजी का मतलब बिलीव, सेजी का मतलब विश्वास, जहाँ कोई लॉजिक काम नहीं आता, जहाँ कोई ऐसी चीज काम नहीं आती कि जिसको आप पूरी डिटेल से समझा सको, तो बिलीव से संबंधित चीजें हैं। तो बिलीव में जब बिलीव की हम बात करते हैं तो बिलीव वहीं पैदा होता है जहां हमारा विश्वास होता है। तो सेजी एसेंडेंट, सेजी राशि वाले लोग दूसरों में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं, बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं। धर्म की चीजों को करना, समाज के लिए कुछ करना, परिवार के लिए कुछ करना, सब कुछ समाज के लिए सोचना, सब कुछ समाज के लिए करना, हर टाइम पूजा पाठ करना और समाज की भलाई के लिए कुछ ना कुछ करना, ये सेजी एसेंडेंट और सेजी राशि वालों का गुण होता है। दूसरा, सेजी जैसे, सेजी का जो चिन्ह है वो क्या है, आधा इंसान और आधा गुरु, यानी आधा जो पार्ट है वो हॉर्स का है और जो आधा पार्ट है वो इंसान का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इनकी आधी जो इंटेंशन होती है वो एक इंसान की तरह होती है और जो आधी इंटेंशन होती है वो हॉर्स की तरह होती है। और हॉर्स को जैसे हम जानते हैं, हॉर्स रिप्रेजेंट करता है सेक्सुअल इंटेंसिटी को, तो आधा घोड़ा और आधा इंसान होने के कारण इन लोगों के अंदर सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ये लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट भी होते हैं, लेकिन वो चीज़ें शो नहीं होती पब्लिक के सामने, समाज के सामने,
पर अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाते हो, बहुत ही ज़्यादा अगर चीज़ों की अगर सिस्टम से समझते हो चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं जो आधा घोड़ा और आधा इंसान वाली जो चीज़ है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो बहुत ज़्यादा पैशनेट भी होते हैं। तो सेजी एसेंडेंट और सेजी राशि वालों के लिए 2018 जो पूरा होल ईयर होगा, ये पूरा होल जो आपका ईयर है इसमें आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो जाएंगे। चीज़ों को बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से करना, कोई ना कोई इन्वेंशन करना, कोई ना कोई नई खोज करना, तंत्रा करना, मंत्रा करना, ऐसी नई नई चीज़ों को खोजना जो आम आदमी की सोच से बहुत दूर की बात है। आप इस पीरियड में बहुत ही अपने सीक्रेट किसी रिलेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी हिडन प्लेजर, हिडन रिलेशन, और कोई भी ऐसा छुपा हुआ काम जो समाज के खिलाफ या समाज से दूर हो, उन चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर आप मैरिड हैं तो जो आपका पूरा इंटरेस्ट है वो अपने इन-लॉज की तरफ चला जाएगा, अपने पार्टनर्स की सेविंग की तरफ चला जाएगा, अपने पार्टनर्स की वैल्यू और वेल्थ की तरफ चला जाएगा। इस साल पूरे साल भर आप अपने पार्टनर्स की वेल्थ को लेके, उनकी वैल्यू को लेके, उनकी हर चीज़ को लेके, अपने इन-लॉज की वैल्यू को लेके, उनकी वेल्थ को लेके, उनकी पोजीशन को लेके, उनकी पावर को लेके बहुत ज़्यादा डिजायर्स रहेंगे कि वहाँ से आपको कोई सपोर्ट मिले, वहाँ से आपको कोई मॉनेटरी गेन हो। दूसरों के पैसे के लिए बहुत ज़्यादा आप डिजायर्स रहेंगे कि दूसरे से आपको मॉनेटरी गेन मिल जाए, कोई ना कोई पैसा मिल जाए। तो इसके चक्कर में आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट तरीके से काम करें, सीक्रेट रिलेशन बनाना, सीक्रेट एसोसिएशन बनाना, सीक्रेट मंत्रा करना, सीक्रेट तंत्रा करना, हर चीज बिल्कुल सीक्रेट हो जाएगी आपकी। दूसरी चीज, जैसे पैतृक संपत्ति हम जैसे कहते हैं, यानी जो इनहेरिटेंस का जो पैसा होता है, पैतृक संपत्ति का जो पैसा होता है, उसके भी मिलने के चांसेस यहाँ दिखते हैं 2018 में। अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर 8th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है या बेनिफिक है, तो आपको इस साल में कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी या वहां से कुछ मॉनेटरी गेन हो सकता है। किसी के मरने के बाद जो पैसा होता है उसको हम इनहेरिटेड मनी कहते हैं, तो वो चीजें कहीं से आ सकती हैं। या किसी के इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, ऑलरेडी अगर आपने किसी चीज का इंश्योरेंस करवा रखा था तो हो सकता है उन चीजों का पैसा आपको मिल जाए। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितनी भी चीजें हैं, जो भी आप सीक्रेटिव तरीके से कर रहे हैं, जो भी आप अपना एक अलग जो रास्ता तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल छुप छुप के जो आप चल रहे हैं, उन सब चीजों से आप अपने सुख को बनाना चाहेंगे। आपका पूरा ध्यान अपने सुख की तरफ रहेगा, आपका पूरा ध्यान अपने घर की तरफ रहेगा कि मेरा घर का सुख कैसे बढ़े, मैं वेल्थी कैसे बन जाऊं, मेरी प्रॉपर्टी कैसे आ जाए, मेरे पास कौन सी गाड़ी आनी चाहिए, मेरा फ्लैट कहाँ पर होना चाहिए, इन सब चीज़ों की भी शुरुआत होगी। और 8th हाउस के थ्रू, 8th हाउस की चीज़ों के थ्रू आप इन चीज़ों को अचीव करना चाहेंगे। दूसरा, आध्यात्मिक की चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आध्यात्मिक बिलीफ बढ़ेगा आपका बहुत ज़्यादा। विदेश में जाना, फॉरनर्स लोगों के साथ एसोसिएशन बनाना, विदेशी लोगों के साथ कोई ना कोई बिजनेस वेंचर तैयार करना, इन सब चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। दूसरा, अगर कोई आप योगी हैं, सन्यासी हैं, कोई आध्यात्मिक पुरुष हैं, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि आप कोई सिद्धि कर ले, क्योंकि 8th हाउस का संबंध सिद्धि से, 8th हाउस का संबंध ध्यान और समाधि से। तो 8th हाउस की चीज़ों में भी आपको गेन हो सकता है। लेकिन कितना भी गेन अगर आपको होता है, मान लो आप कोई सिद्धि करते हैं, या कोई आप ऐसा तंत्रा करते हैं, मंत्रा करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, तो सारी चीज़ होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई रहेंगे। और जो भी आपका हिडन सेक्सुअल जो रिलेशन है उसको लेके भी आप बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाई रहेंगे। और इस पीरियड में जो सेक्सुअल जो इंटेंसिटी होती है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सेक्सुअल जो इंटेंसिटी जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरी चीज ये है कि जो आपका परिवार है, या जो जहां आपका जन्म हुआ है, जिस फैमिली में आपका जन्म हुआ है, जो आपका परिवार है, जो आपके मदर फादर हैं, या जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो उन चीजों की तरफ आपका ध्यान बहुत ही कम होगा।
आप अपने फैमिली वालों से, अपने परिवार वालों से बहुत ज़्यादा हटे से महसूस करोगे। आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा कि उन लोगों के साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, उन लोगों के साथ मिलकर कुछ करो। उन लोगों की वैल्यू आप फील नहीं कर पाएंगे, तो उनसे थोड़ा सा अलगाव से महसूस करेंगे। या आप चाहेंगे कि मैं खुद कुछ ऐसा करूं जिसमें मुझे मेरे परिवार वालों की जरूरत ना हो। तो परिवार वालों की वैल्यू, अपने परिवार की वेल्थ, अपने परिवार की सेविंग, इन सब चीजों से आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा हटा हुआ रहेगा। दूसरा, जो डेली के काम होते हैं जैसे मार्केट में जाना, लोगों के साथ कॉम्पिटिशन करना, कोई एग्जाम देना, किसी चीज को कंप्लीट करना, सर्विस को ढूंढना, जॉब को ढूंढना, इन सब चीजों में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हटा हुआ रहेगा, बहुत ज्यादा लूज फील करोगे। आपका सारा जो इंटरेस्ट है वो छुपी हुई चीजों की तरफ रहेगा, छुपे हुए रिलेशन की तरफ रहेगा, छुपे हुए कॉन्टेक्ट की तरफ रहेगा। आप उन्हीं चीजों से अपनी वैल्यू और अपनी सेविंग और अपनी वेल्थ और अपना सुख बनाना चाहेंगे। आपका क्या स्टेटस है, आपकी क्या पहचान है सोसाइटी में, आपका क्या कैरियर है, क्या काम धंधा है, क्या बिजनेस है, इन सब चीजों में भी आपका इंटरेस्ट नहीं होने वाला है। इन सब चीजों से भी आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे करके हटता हुआ दिखाई देगा। दूसरी एक चीज और कि इस पीरियड में आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा जो मैं करना चाहता हूं या करना चाहती हूं वो सारी चीजें मैं नहीं कर पा रहा। आपको ऐसा लगेगा किसी चीज ने मुझे बहुत ज्यादा बांध रखा है। अगर आप मान लो रोज कोई वर्कआउट करते हैं या आप जिम करते हैं या कहीं जाके आप मान लो कोई ऐसी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो वो चीज़ें भी ज़्यादा टाइम तक आप उन चीज़ों को नहीं कर पाओगे। बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरा, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो आपके कलीग्स हैं, जो आप लोगों के साथ काम करते हैं, उन लोगों के साथ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई और उन लोगों से भी सेपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली के जो काम होते हैं, डेली की जो मीटिंग्स होती हैं, जो भी आप दिमाग से डेली कुछ करना चाहते हो वो सारी चीजें डिले होती चली जाएंगी। पार्टनर के साथ इस टाइम बिल्कुल नहीं बनने वाली। कोई भी अगर आपका बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है या लविंग पार्टनर है, तो उससे आपको बेनिफिट होता हुआ नहीं दिखाई देगा और उससे भी थोड़ा सा आप अलगाव महसूस करेंगे। या पार्टनर के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई रहेगी। लेकिन पार्टनर्स की वैल्यू और पार्टनर्स की वेल्थ की तरफ आपका बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है और उन सब चीजों को आप बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से अचीव करने की कोशिश करेंगे कि मेरे हस्बैंड से मुझे कोई मॉनेटरी गेन हो जाए, मेरी वाइफ से मुझे कोई मॉनेटरी गेन हो जाए, या दूसरे लोगों से मुझे कोई मॉनेटरी गेन हो जाए, या पार्टनर्स की सेविंग मुझे मिल जाए, पार्टनर की वैल्यू मुझे मिल जाए। इन सब चीजों में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। और योगी और सन्यासी अगर हैं, आप कोई सिद्धि वगैरह करना चाहते हैं, तो सिद्धि की तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा आपका कि कोई सिद्धि कर लो। कोई भी जो जितने भी जो वर्ल्डली जो हमारी जो टिटीज होती है उन सब चीजों को मैं सिद्धि के द्वारा पाल, तो उन चीजों के लिए आप बहुत ज्यादा भटकेंगे इधर उधर। जो भी आपका कैरियर है, जो भी आपका काम है, उसमें ज्यादा आपको प्रॉफिट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। आप कोशिश बहुत करेंगे लेकिन जो आपका नाम है, जो आपकी पहचान है, उसमें ज्यादा बढ़ोतरी होती नहीं देख पाएंगे आप, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो सारा छुपके है। आप इस पीरियड में बहुत ही छुपके, बहुत ही सीक्रेट तरीके से काम करना चाहेंगे। दूसरी बात एक और कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल चीजों की तरफ होगा, आध्यात्मिक तरफ होगा, तो स्पिरिचुअल चीजें और जो आध्यात्मिक चीजें हैं इन चीजों में भी आपको गेन मिलेगा, लेकिन आपको अक्टूबर के बाद जाके मिलेगा। अक्टूबर से पहले मॉनेटरी गेन होगा आपका, फ्रेंड लोगों से फायदा होगा, फ्रेंड लोगों से मॉनेटरी गेन हो सकता है, इनकम के अलग अलग सोर्सेज बन सकते हैं, पर वो जितना भी फायदा है वो आपको अपने नेटवर्क सर्कल के थ्रू होगा।
आपके ऑन एफर्ट्स के थ्रू नहीं होगा। जो भी आपने अपना एसोसिएशन बना रखा है, जो भी आपने अपना दोस्त या मतलब बिजनेस का जो वेंचर आपने बना रखा है लोगों के साथ, जो आपने एक लोगों के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, या लोगों के साथ जो आपने अपना एक सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम के थ्रू आपको पैसा आएगा। अगर आप इस साल ये प्लानिंग करते हैं कि आपको कोई स्टॉक मार्केट में या कोई स्पेक्युलेटिव कोई बिजनेस अगर ऐसा हो जहां पैसा लगाएं वहां से मॉनेटरी गेन हो जाए, तो वो भी मॉनेटरी गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कि आपकी कोई लॉटरी लग जाए, या आपने जहां पर पैसा लगाया है वहां से सडनली कोई ना कोई मॉनेटरी गेन हो जाए, क्योंकि राहु 8th हाउस में सडनली मॉनेटरी गेन करवाता है। तो बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, इनसे थोड़ा सा अनबैलेंस रहेगा, लेकिन चीज़ें फिर भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और अक्टूबर जैसे ही पार होगा तो अक्टूबर के बाद जो आप चीज़ें चाह रहे थे उन चीज़ों में बढ़ोतरी होती हुई आपको दिखाई देगी। आपको पार्टनर से मॉनेटरी गेन होता हुआ दिखाई देगा, आपको घर की चीज़ों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, घर का सुख जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जो चीज़ आप करना चाह रहे थे उन चीज़ों में भी आपको कोई ना कोई फायदा होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि सेजी राशि और सेजी एसेंडेंट वालों के लिए 2018 पूरा होल ईयर कैसे जाने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी राशि आपको 2018 में क्या क्या बेनिफिट करा सकती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राशि को जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, हमसे कंसल्ट करना चाहें, या पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।